नमस्कार जनते, मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे ताऊते की। एक तरफ कोरोना जिसने दुनिया को हिला के रखा हुआ है, और अभी तूफान ताऊते, ताऊते को लेके जिस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन एक मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी को, जिसकी वजह से आज हजारों जाने बची हैं। उसकी वजह साफ है कि अगर पहले से ये वार्निंग नहीं दी जाती मौसम विभाग की ओर से कि ये ताऊते आने वाला है और इस तरह की हवाएं चलेंगी, ये तूफान तबाही मचा सकता है, तो मुझे लगता है कि एक जो दौर था पहले पता ही नहीं लगता था कि अचानक अच्छा तेज हवाएं चल रही है, मकान गिर रहे हैं, बारिश आ रही है, पता लगा हजारों लोग मर गए। बड़ा एक इतिहास गवाह इस बात के, जो इस तरह के तूफान आए हैं उसमें लाखों लोग मर चुके हैं। लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, निश्चित रूप से कुछ लापरवाही हो सकती है या जिसकी किस्मत में मौत है तो एक अलग इश्यू है। बाकी बहुत तबाही मैं नहीं कह सकता इसे, कि जो पहले के मैं स्थितियां देख रहा था उसको लेकर के। तो चलिए ताऊते को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा साहब हैं, और हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जयेश प्रजापति जुड़ेंगे। शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। दर्शक थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के तूफान आने की वजह क्या होती है। जी देखिए, इस टाइप के जो तूफान है वो विशेष रूप से इंडियन रीजन के लिए यदि बात करें तो एक तो प्री मानसून सीजन स्पेशली जो महीना होता है, और एक मानसून के बाद जो नवंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, ये दो जो विशेष रूप से सीजन है, इस दौरान ही इंडियन ओशियन में ज्यादातर साइक्लोन बनने के लिए कंडीशन फेवरेबल होती है। क्यों बनता है, इसके लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी सपोर्टिव होनी चाहिए, साथ ही साथ समुद्र के जो जल का जो तापमान है, सी सरफेस टेम्परेचर है, वो दोनों ही फेवरेबल होने चाहिए। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस डिफाइन किया हुआ है कि यदि समुद्र जल का तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, और साथ ही साथ समुद्र के ऊपर जो वातावरण है उसमें अनस्टेबिलिटी हो, इसके साथ साथ में कभी कभी मैडन जूलियन ऑसिलेशन MJO बोलते हैं, उसका भी रोल जो है वो इम्पैक्ट रहता है, जो कन्वेक्शन में इम्प्रूव करता है। तो कहने का मतलब है कि इस सीजन में एक तो एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होना चाहिए, सबसे पहले सर्कुलेशन के रूप में वहां पे का कन्वर्जेंस होना शुरू होता है, लोअर लेवल में ओशियन की तरफ से भी चूंकि वार्म होता है तो ओशियन थर्मल एनर्जी भी इसको फर्दर इंटेंस होने के लिए सपोर्ट करता है। तो धीरे धीरे ये एक प्रोसेस है जिसमें 2 से 3 दिन होता है, ये सर्कुलेशन से पहले लो प्रेशर सिस्टम बनता है, देन और इंटेंस होके डिप्रेशन, देन डीप डिप्रेशन, और उसके बाद ये कम से कम 2-3 दिन तक ये टाइम लेता है और समुद्र के अंदर ही ये डेवलप होता है। जी, लेकिन ये कितने दिन तक अपना असर रखेगा, ये हवा के दबाव पे तय होता है कि हाँ इतने समय तक रह सकता है, इसी को संभावित टाइम पीरियड होता है सर इसका। जी शर्मा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि केरल, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में ये दस्तक दे चुका है, और राजस्थान के कई जो जिले हैं वो काफी प्रभावित हैं, और गुजरात में जिस तरह से तेज हवाओं का प्रसार रहा और उसकी वजह से कहीं जगह लाइट प्रभावित रही है, क्योंकि ये चिंता का विषय एक तो इस वजह से भी है भी यहाँ पे कि कोविड सेंटर्स चल रहे हैं, बहुत सारी जगह ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे ही डिपेंड करती है, ऐसे में अगर बारिश के कारण या हवाओं के कारण अगर वहां की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम सफर करता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है। हालांकि राज्य सरकारें पहले से अलर्ट मोड पे हैं, उन्होंने अपने सिस्टम को दुरुस्त किया हुआ है, और जैसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी की है, उनको जो मदद की आवश्यकता है उस पर भी पूरी तरह से सहयोग का भरोसा दिया है, और यहाँ तीनों विंग जो है डिफेंस की वो बिल्कुल अलर्ट है, चाहे वो नेवी हो या फिर हमारी आर्म कोर हो या फिर एयरफोर्स हो, पूरे मुस्तैदी के साथ में अपने जो संसाधन है वो जनहानि ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इस जनहानि से बचाया जा सके।
चल रहा है और कई राज्य जो हैं उन्हें पूरी तरह से परेशान किया है। ठीक ठीक ये सैटेलाइट की तरफ भी कटोटा देख रहे हैं तस्वीर पे सामने, ये सैटेलाइट इमेज है जो आप देख रहे हैं, जहां पे अम्ब्रेला टाइप पे जो बना हुआ है, ये वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभाव तोयोटा का ताउते का देख सकते हैं आप। ये सैटेलाइट इमेज है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस रही है और यही बड़ी वजह है कि आज एक एक चीज को हम, ये साइक्लोन कहां से आप देख सकते हैं, जो पूरी पिक्चर है साइक्लोन की, ये आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए राधेश्याम शर्मा साहब वापस हमारे साथ जुड़ गए। सर जो सवाल मेरा ये था कि क्या कोई इसका टाइम पीरियड रहता है इसके दबाव का कि हाँ इतने लंबे समय तक ये चल सकता है, या फिर हवाओं का जो प्रेशर है वो इतने टाइम के बाद में कम होगा इतने क्षेत्र में जाकर के और ये तबाही मचा सकता है, या हवाओं का जो प्रेशर है वो इतने किलोमीटर तक रह सकता है धीरे धीरे वो कम होगा, कुछ टाइम पीरियड है सर ये? देखिए पूरे साइक्लोन के यदि लाइफ टाइम की बात करें तो साधारणतः 4 से 5 दिन तक ये लाइफ, औसतन यदि बात करें तो 5 दिन तक साइक्लोन की लाइफ साइकिल होती है। लेकिन ये जो साइक्लोन है जब तक समुद्र तब तक ये इंटेंसिफिकेशन मोड में जनरली होता है, मीन्स अपनी जो ताकत है उस साइक्लोन की बढ़ती है जब तक ये समुद्र के अंदर बना रहता है। तो लगातार बहुत बार देखा जाता है कि जब 3, 4 या 5 दिनों तक यदि लगातार ये समुद्र के अंदर बना रहे और ऊपर के एटमोस्फेयर की कंडीशंस यदि फेवरेबल हो तो ये इंटेंसिफिकेशन जो है वो बनता जारी रहता है। साथ ही साथ इसके मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है कि स्लो मूवमेंट हो रहा है या बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा है। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि रैपिडली इंटेंसिफिकेशन होता है। तो डिपेंड्स अपॉन ओशियन वाटर सरफेस टेम्परेचर कैसा है, वहां पे अपर एटमॉस्फेयर कैसे। तो कहने का मतलब है कि जब तक ये समुद्र में रहेगा तब तक इसका जो लाइफ है वो जनरली बढ़ेगा। लेकिन एक बार जब ये जमीन की सतह से टकराता है, मतलब जब भी ये समुद्र से उतरकर सतह पर आता है, उस समय इस साइक्लोन का यूं कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो मेंटेन ज्यादा समय तक नहीं रह पाती है। उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो क्योंकि जब समुद्र से उतरकर वो लैंड पे आता है तो एक तो उसको जो मॉइस्चर या नमी की सप्लाई जो ओशियन से हो रही थी वो पावर वो उसका सप्लाई जो है एनर्जी जो है वो कट हो जाता है। नंबर दो, जो सरफेस पे जमीन पे जब उतरेगा तो जमीन पे आपको बताया कि अलग अलग फीचर्स मौजूद है, कहीं पहाड़ है, कहीं पेड़ है, कहीं बिल्डिंग्स है, तो उससे भी स्ट्रक्चर से भी विंड्स टकरा के उसके इंटेंसिटी को कम करने में हेल्प करता है। तो कुल मिलाकर जब ये सिस्टम लैंडफॉल हो जाता है, जमीन पे आ जाता है समुद्र से उतर कर, उसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी है वो हम ये कह सकते हैं राजस्थान से सर, ये कह सकते हैं हम कि अभी जैसे गुजरात तक समुद्र तट है, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में जैसे जैसे राजस्थान से दिल्ली हो, चाहे एनसीआर का एरिया हो, फिर उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, ये वो क्षेत्र चला जाता है जहां पे इसका प्रेशर कम होता हुआ, ये कह सकते हैं कि अभी इसका बिल्कुल बिल्कुल आप देखेंगे कि कल के तक से टकराया था ताऊते तूफान, उस टाइम इसकी जो कैटेगरी थी वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन थी, यानी उस टाइम हवा की गति करीब 200 किलोमीटर पर बिल्कुल, और डैमेज भी आपके पास डैमेज रिपोर्ट भी मीडिया में। लेकिन अभी यदि देखें तो फिलहाल ये उस तीव्रता से 2 स्टेप नीचे होकर साइक्लोन की कैटेगरी बन गया है और अगले 2-3 घंटों में और कमजोर होकर जैसे डीप डिप्रेशन और देन डिप्रेशन, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है और उसका असर भी जो है वो धीरे धीरे कम होता है। जी चले शर्मा साहब, समय कम है और हम ताउते को लेकर के काफी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि पहले के जो तूफान रहे हैं उनकी हिस्ट्री को लेकर के भी हम दर्शकों से शेयर कर सकते थे। स्क्रीन पे कुछ चीजें हमने चलाई भी हैं, वो देख रहे होंगे दर्शक हमारे। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह के जो तूफान है, समुद्र से उठने वाली जो लहरें हैं, ये वेदर पे डिपेंड करती है और उसकी जो नमी है उसको लेकर के वो किस तरह का प्रभाव है। एक साल में एक सबसे बड़ी बात जो बताई अभी कि आप मानसून का प्री टाइम और पोस्ट टाइम दोनों में कभी भी इस तरह के साइक्लोन उठ सकते हैं, ये खास बात देखी जा सकती है। इनके नाम की हिस्ट्री है, कुछ हमारे यहाँ के जो कंट्री हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसको ये दी जाती है जिम्मेदारी कि आप अबकी बार म्यांमार का था, ताउते
बोलने वाली छिपकली के नाम पे इस तूफान का नाम रखा गया है। अलग अलग समय पे अलग अलग नाम इस तरह के आते हैं, बड़ी रोचक हिस्ट्री है, लेकिन समय का अभाव है शर्मा साहब, यहाँ पे हम दर्शकों से भी इजाजत लेंगे और आपका बहुत बहुत आभार। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।